अरे श्याम बंसुरी बजाए श्याम गन्ना खाए आओ 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 गन्ना का मुझे नहीं चाहिए। अरे यार तू भी क्या उन बेकार के लोगों की बातों का बुरा मान रहा है धार? नहीं श्याम, इतने साल हो गए मुझे इस गांव में रहते हुए किसी ने मुझ पर उंगली नहीं उठाई, और इन लोगों की जरूरत देखो, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे। अरे तो क्या हुआ, तूने भी तो उनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, नहीं? हाँ मुझे गुस्सा आ गया, बस कह दिया जो कहना था मुझे। लेकिन एक बात बोलूं, गुस्से में ना तूने दिमाग का काम किया है। तू ऐसा क्यों कह रहा है, कहीं तू भी तो नहीं? अरे नहीं यार, क्या बात कर रहा है, मैं तो तेरी हिम्मत की दाद दे रहा हूं, बहुत अच्छा किया। और वैसे भी कोई ना, इस थोड़े से वक्त में काफी घुल मिल गई उससे, नहीं? तेरी वजह से ये सब हो रहा है। तूने ही कोयना के दिमाग में इस बात को डाल दिया कि वो उसकी छोटी माँ है, अब वो अड़ गई है इस बात पर। वो अच्छा सुन, वो गांव वालों से तो तूने कह दिया कि तू उसे घर में रख लेगा, लेकिन उससे क्या कहेगा तू? समझ में नहीं आ रहा मैं उससे क्या कहूंगा, क्या करूंगा, लेकिन मुझे लगता है शाम उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे भी लगता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी को अभी अपने घर में बिठा के रख लो। हाँ ये बात भी है, ये भी सही कह रहा तू वैसे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई मामूली औरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और सुन लोगों, कभी कभी ना दिमाग की नहीं दिल की बात सुननी चाहिए। आज तो अपने दिल की बात सुन। और हाँ एक बात का ख्याल रखना, सारी दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी होगी ना, तो एक आदमी तेरे साथ रहेगा, तेरा श्याम। तब मुझे नदी दिखाई देती है, और पता है उस नदी का नाम क्या है? कोयना, हमारी नदी। बाबा ने उसी नदी के नाम पर ही मेरा नाम रखा था, पूछो क्यों? बाबा कहते हैं कि मैं भी नदी के जैसे चुलबुली हूँ, बहुत बोलती हूँ। एक और चीज देखोगी? आओ ना। पता है मेरी माँ के पास 4 साड़ियाँ थी। हाँ और वो शादी वाली साड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन बाबा उसे पहनने नहीं देते थे, क्योंकि माँ कहती थी कि वो उसे काट कर गुड़िया के लिए फ्रॉक बनाएगी। आप अंदर जा सकती हैं। मैंने कहा आप अंदर जा सकती हैं। हमारे घर के पिछवाड़े में एक कमरा है, जब तक ये पता नहीं चल जाता कि आप कौन हैं, आपके घर वाले कौन हैं, आप वहां रह सकती हैं। कोई ना, इन्हें अंदर ले आओ। आओ ना, आओ ना छोटी माँ, अंदर आओ ना। जरा सी चिंगारी लगी तो पूरा जल गया। अबे वो बात छोड़ दे, जब रघु की सास तीरथ से आ जाएगी ना, तब देखना पूरे गांव में हंगामा कर देगी, कहेगी मेरी बेटी को मार दिया, दूसरी के साथ घर बसा लिया, कलयुग है भाई कलयुग है। अगर मैं
मैं कुछ कहती हूँ, घर की मर्यादा नीलाम होती है और वो जो कर रहा है उससे गांव की इज्जत बढ़ती है। मैं क्या करूँ, इस गांव में इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है ना। इसी गांव में मैंने अपनी बेटी की शादी कितनी धूमधाम से की थी। अब चोर धात अवाधरात सर्वतो माम पाही पाही समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। छोटी माँ, गाजर का हलवा बना रही हो क्या? खुशबू वहां तक आ रही थी। मेरी माँ भी ऐसा ही मजेदार हलवा बनाती थी। कोई ना बेटा, आजा नाश्ता तै। आप पूछ रही हैं कि मैं खाऊंगी? ठीक है, दीजिए। कोई ना, इधर आओ। क्या हो रहा है ये? कितनी बार तुमसे कहा है कि किसी से मांग के नहीं खाते? चलो। चलो कोई ना। नमस्ते मनोहर बाबू। नमस्ते नमस्ते। आज तो तुम्हारी छुट्टी है। हाँ। लेकिन यहाँ कैसे? जरा मैनेजर से मिल। अच्छा। हाँ, हाँ मैनेजर साहब अंदर है। हाँ। अरे ये कौन है? ये मेरा बेटा है। अच्छा, हाँ तुम जिसकी तारीफ करते हो। हाँ। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है वही। हाँ। है ना? हाँ ये वही। अच्छा है। अच्छा। हाँ ये ड्रम अंदर रख दो। और कहिए मनोहर बाबू, क्या काम है? ये कौन है? ये मेरा बेटा है। हेलो सर। हेलो, मुझसे कोई काम है? साहब जैसे तैसे करके इसे पढ़ाया, अच्छी अच्छी बड़ी कंपनियों से नौकरी के लिए इसे बुलावे आए हैं। हाँ। लेकिन एक ही बेटा है, अपने से दूर कैसे भेज दूँ? हाँ। आप ही इसे कोई काम दिला दीजिए। अरे मनोहर, कंपनी के कायदे कानून पहले जैसे नहीं रहे। मैं जिसे चाहूँ काम पर नहीं रख सकता, सिलेक्शन कमेटी इसका फैसला करती है। साहब आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता? अच्छा देखेंगे, इस कंपनी में नहीं तो किसी और कंपनी में इसकी नौकरी लगवा देंगे। जी हा? बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच सर। क्यों रे श्याम, देखना एक दिन इसी फैक्ट्री में तुझे नौकरी मिलेगी। तू जब आएगा तो सलाम करके तेरे लिए गेट खुलेगा। बाबा 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 बाबा, वो आ गई। हुँ? वो आ गई बाबा। कौन बेटा, कौन आया है? कौन आ गई? कोई ना, न जाने कैसी कैसी औरतों के साथ गुच्छे उड़ा रहा है। अभी बताता हूँ। हे राम, कलयुग है भाई, कलयुग। रघु सासुमा। राम राम सासुमा। हे मेरी गुड़िया, स्कूल जा रही है? आज बैठ साइकिल पे, छोड़ दूँ आज? नहीं चाचू, आज मैं छोटी माँ के साथ जाऊंगी। अच्छा समझ गया, मालूम था मुझे छोटी माँ के आते ही चाचू को भूल जाएगी। गुस्सा मत हो चाचू। स्कूल ले जाओ। आजा।
छोटी माँ दोपहर को मेरा खाना लेकर आओगी ना? वो आपको उस घर में कोई तकलीफ तो नहीं ना? देखिए रघु थोड़ा कम बोलता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, इसलिए जो बात करता है ना सच्चे दिल से करता है। आप उसकी बात का बुरा मत मानिए। अब कौन है, कहां से आई हैं? देखते हैं कब तक आप इसी तरह से मुस्कुरा के टालेंगी। चाचू जल्दी चलो ना, देर हो गए तो टीचर मुझे मारेगी। अरे मारे कैसे, मार खाने के बारे आएगी ना, तेरा शामू चाचा आ जाएगा। वैसे भी तेरी मोटी वाली टीचर मुझे पसंद नहीं। चला जा बैठ जा। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, रे पहली मुलाकात है, तेरी छोटी माँ कब बोलेगी रे? बाबा दवाई ली तुमने? लेने ही वाला था बेटा। ये लो। ये क्या है? ये रघु ने दी है तुम्हारे लिए, आयुर्वेदिक दवाई है। गला खराब है ना तुम्हारा, ठीक हो जाएगा इससे, और खांसी भी ठीक हो जाएगी, खा लो। ये रघु को अपनी से ज्यादा मेरी फिक्र रहती है, पागल कहीं का। दोस्त किसका है बाबा? अरे ये कोई दवाई है? ये तो हलवा लगता है। वही तो दवाई है, खा लो खा लो। कैसा है वैसे? वाह, इस बार तो रघु ने कमाल ही कर दिया। इतनी उम्र हो गई लेकिन इतना अच्छा हलवा चखा नहीं कभी। वाह भाई वाह, विश्वास नहीं होता कि ये रघु ने बनाया है। मैंने कब कहा है कि रघु ने बनाया? मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि रघु ने भेजा है। ये हलवा उसी औरत ने बनाया है। कितने बड़े और ऊंचे ऊंचे घरों से रिश्ते आए थे, लेकिन मैं ही सटिया गई थी कि तुझे इस नरक में ढकेल दिया। बेटी माँ को बताए बिना ही चली गई। जब बीमार हुई थी तो जमाई जी ने कहा था कि यहाँ रहकर तेरी देखभाल करूं, लेकिन मेरी मत मारी गई थी ये कहकर टाल दिया कि अब तू उसकी पत्नी है, मेरी बेटी नहीं। शायद इसीलिए रूठ कर चली गई। कोई ना क्या बाबा? बेटा काम पर जा रहा हूँ, आज अकेले स्कूल चले जाना। अच्छा, आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो बाबा? कुछ काम है बेटा। मैं जब भी कुछ कहती हूँ तो अपनी दुम दबाकर भाग जाता है। मेरी बेटी को मार दिया, मेरी बेटी को मार दिया। रघुवीर काम पे नहीं जाना है? बस मालिक जा ही रहा था। देरी हो गई बहुत। और वैसे ये मामला क्या है? गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। आखिर वो औरत है कौन? तुमने तो उसे सीधे घर में ही रख लिया। मैं तो तुम्हें बहुत चरित्रवान समझता था। सब लोग मेरी पीठ पीछे बातें बना रहे हैं मालिक। आपने सामने पूछा, मुझे अच्छा लगा। दरअसल मुझे भी नहीं मालूम कि वो औरत कौन है और कहां से आई है। वो तो मेरी बेटी छोटी माँ कहकर उसे घर तक खींच लाई। पहले तो मैंने उसे अपने घर में नहीं रखा। मैंने तो अभी तक उससे बात भी नहीं की।
कोई ना नादान है, बिन माँ की बच्ची का दिल नहीं दुखाना चाहता था मैं, बस यही सच है। अब अगर आपको मेरी बात पर यकीन करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। राम राम। पाप समाज की परवाह किए बिना इस छमिया के साथ नाच रहा है और बेटी ढोल बजा रही है। कलयुग है भाई, कलयुग, कलयुग है भाई, कलयुग। अपनी पत्नी को मार दिया, जा जाके कह दे अपने बाप से कि गांव वालों से पूछे, पर क्या फायदा, उसकी आंखों पर तो इसकी पट्टी बंधी है। नानी माँ कुछ मत कहो मेरी छोटी माँ को। छोटी माँ? अरे कैसी छोटी माँ, किसी ऐरी गैरी को घर में लाकर उससे रिश्ता जोड़ रहे हैं। नानी माँ चिल्लाइए मत, सब सुन रहे होंगे। अरे तो सुनने दो, दोनों को कोई पूछने वाला नहीं है ना इस गांव में, इसीलिए तू और तेरा बाप। भगवान मैं ये सब देखने से पहले मर क्यों न गई। कलयुग है भाई, कलयुग।